भाव सिंह जी माता पिता बचपन में ही खो बैठे थे, तब उसका उछेर दादा विक्रमाद जी ने किया। उसने राजकोट की राजकुमार कॉलेज और पूना में शिक्षा प्राप्त की थी। उसको बचपन से कुदरती सौंदर्य और साहित्य कला में रस रहा था। उसने ऑस्ट्रेलिया, सीलोन और हिंदुस्तान का प्रवास किया था। ये प्रवास से उसका जीवन घड़तर हुआ और विशाल दृष्टिबिंदु बनाया था। सत्ता संभालते पहले उसने राजकाज का कामकाज का पूरा अनुभव लिया था। ये पैडॉक के सुपरिंटेंडेंट बने थे। हर दुरंदेशी शासक गद्दी पर बैठते ही वहीवटी तंत्र में आमूल परिवर्तन करते हैं। तब उसने रियासत के उच्च होदे की निमणूक खुद करने का सुधार किया। नौकरियातों के लिए पेंशन ग्रेचुइटी का धोरण दाखिल करके वधु चिंतित और सलामत बनाए। भाव सिंह जी ने सोलार यंत्र यानी भानुताप यंत्र का शोधक को रुपया 4,000 का इनाम दिया था। दरियाई व्यापार को उत्तेजन देने के लिए जकात आधी कर दी गई थी। किसानों को आपत्ति के समय में कर माफ कर देते थे और खराबा की जमीन में खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन देते थे। अकाल के समय तालाब बनवाए, अन्न क्षेत्र शुरू किया, कैटल कैंप खोला, रियासत की अनामत वीड़ी पशुओं को लिए खुली रखी थी। पोरबंदर में वेदशाला की स्थापना की और सन 1904 में भाव सिंह जी हाई स्कूल खुलवाई। रियासत में भाव सिंह जी हॉस्पिटल, 6 धर्मादा दवाखाना चलते थे। पोरबंदर में स्त्रियों का एक अलग दवाखाना था। प्लेग के रोग के समय 1902 में बड़ी अच्छी व्यवस्था करके खुद भाव सिंह जी ने रोगियों के कैंप में जाकर पूछताछ की और दर्दी के हाव भाव पूछे थे। भाव सिंह जी ने दरिया महल, चिड़ियाखाना, भाव सिंह जी पार्क, भोजेश्वर प्लॉट, तरवड़ा जेल, जवेरी बंगलो, भावेश्वर मंदिर, अस्मावती घाट, अनाथ आश्रम और भावपरा नामक एक गांव बसाया था। सुदामा मंदिर का जीर्णोद्धार के लिए रुपया 1,00,000 की लॉटरी निकाली थी। जयकृष्ण इंद्र जी को वन अधिकारी बनाए। भाव सिंह जी साहित्यकारों और कलाकारों को बहुत अच्छी तरह पहचानते और मदद देते थे, इसलिए उसके पास चित्रकार, साहित्यकार, पक्षीविद इर्द गिर्द घूमते रहते थे। उसको भाव दुला नाम से सम्मानित किया था। ये विशाल और उदार दिल के शासक ने क्षय रोग से 42 वर्ष की उम्र में आखिरी श्वास लिया। फिर भी उसके कार्य और स्थापत्यों को लोग याद करते रहे हैं।